بسم الله الرحمن الرحيم. इस्लाम से पहले जुमे के दिन को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनाद, ऑप्शन बी अरोया, ऑप्शन सी जमा, ऑप्शन डी हफ्ता। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अरोया। जन्नत में किसकी शादी तीन औरतों से होगी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन डी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके जनाजे को इंतकाल के 40 दिन बाद दफन किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नमरूद, ऑप्शन बी फिरौन, ऑप्शन सी हाबील, ऑप्शन डी काबिल। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाबील। कुरान पाक का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अल किताब, ऑप्शन बी अल नूर, ऑप्शन सी दरसे मोहम्मद, ऑप्शन डी दरसे आलम। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल किताब। इस्लाम में सबसे पहले नमाज जनाजा किसकी पढ़ी गई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहु, ऑप्शन सी हजरत असद बिन जुर्राह रजी अल्लाह ताला अनहु, ऑप्शन डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत असद बिन जुर्राह रजी अल्लाह ताला अनहु। सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? के ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 आयतें, ऑप्शन बी 5 आयतें, ऑप्शन सी 12 आयतें, ऑप्शन डी 7 आयतें। इस आखिरी आसान से सवाल का जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं इस सवाल का सही सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं।